बैक टू रेडी कॉपी गाइस। तो आज हम लेके आए माइनक्राफ्ट का पार्ट टू। तो पहले पार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता ही होगा कि तब ये सिर्फ फार्म था और ये जो फार्म हाउस देख रहे हैं ये बिल्ड हो रहा था। तो मेरा वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, तो हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ बना लिए हैं। मैं और मेरे तीन दोस्त खेलते हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। ये हो गया हमारा फार्म हाउस जिसमें अभी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें रखा हुआ है। तो ये हो गया ऊपर का नज़ारा। अब चलो मेन चीज़ जिसके लिए हम लोगों को इतना, मतलब आप लोगों को इतना देर करना पड़ा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग पहले नहीं था, तो ये एक फ्लैट जैसा बना दिया है हम लोगों ने, क्योंकि अभी हम इस बिल्डिंग पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग हमारा मतलब स्टोरेज रूम जैसा हो गया है। तो ये जो ऊपर वाला घर है 3rd फ्लोर पे, ये आरजी चूत का है, ये मेरा एक दोस्त है और ये उसके 2 घोड़े। तो चलो हम आपको उसका घर भी दिखा देते हैं। तो ये देखो गाइस, ये उसका फ्लैट छोटा सा, ये उसका बेड और ये कुछ पेड़ मतलब लीप से डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं गाइस। ये है हमारा लिफ्ट जिससे हम बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। अब तो हो गया ये, और ये है और एक रूम जो मेरा एक दोस्त है सोविक, तो उसे दे दिया है क्योंकि अभी उसके पास घर नहीं है, तो जब बन के तैयार हो जाएगा तब तो उसे हम दे देंगे, मतलब दे देंगे मतलब उससे ये घर, अगर वो देता है तो ले लेंगे, अगर नहीं देता है तो छोड़ देंगे। तो ये जो सारे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब नया नया बनाया है। तो ये जो पहला घर है ये है आरजी चूत का, तो जिसको मैंने कौन मतलब बिल्ड किया है। और ये है CSD गेमर का, आप देख सकते हैं ये CSD गेमर का एक विला जैसा है। और ये है आपका भाई का, मतलब समझ सकते हो गाइस, ये मेरा घर है। और अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है। ओ मैं तो आपको इंटीरियर दिखाना भूल ही गया, चलो गाइस एक बार आपको इंटीरियर भी दिखा ही देते। तो पहले चलते हैं आरजी जूत के घर का, घर के अंदर। ये घर भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेड था जिसे हम लोग उखाड़ के ले गए हैं उस साइड पे, ये कुछ फ्लावर का डिज़ाइन है। और ऊपर जाते ही आपको मिलेगा एक बेड, ये कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए, और ये एक बेलकोनी मतलब देखने के लिए। अब आता है ये देखो, ये है एक बेलकोनी। तो नीचे से फिर से कौन जाएगा, ऊपर से छलांग मार लेते हैं था। चलो अब चलते हैं CSD गेमर के घर में। देखिए लिखा हुआ है CSD गेमर 1 2 3 हाउस, ये अंदर जाते हैं। तो ये घर पूरा CSD गेमर ने इंटीरियर डिज़ाइन भी किया हुआ है और घर भी बनाया है। तो ये है एक अंडरग्राउंड बेस CSD गेमर का। तो चलो इसका भी टूर करवा ही देते हैं, लेकिन उसके परमिशन के बिना मैंने किया है ये। तो CSD गेमर सॉरी ब्रो फॉर विदाउट टेकिंग योर परमिशन, इसको बंद कर देते हैं। अब चलो ये है उसका चिल आउट एरिया, ये उसका टीवी और ये एक सोफ़ा। तो अब चलते हैं उसके घर। ये देखो गाइस उसका लिफ्ट, यहाँ पर एक बेड था जो हम लोग फिशिंग के लिए उस साइड पे लेके गए हैं। चलो अभी तुम लोगों को तुम्हारे भाई का ये घर घुमा के दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये है तुम्हारे भाई का रूम। यहाँ पर कुछ है चीज़
जो आपको बाद में पता चले जाएगा। ये है तुम्हारे भाई का इंटीरियर जो तुम्हारे भाई ने खुद किया है। ये है हमारा एक छोटा सा बेलकनी जहाँ से हम नज़ारे लेते हैं, नज़ारा। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो साउंड के लिए सॉरी। अगर ये क्या हो रहा है, ये है हमारा ट्रेडर हॉल जो कि फ़िलहाल छोटा है, वो पीछे नया हो रहा है। और ये है तुम्हारा भाई का और एक नया घर जिस पे अभी मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ। तो पहले ही जाते हैं, आते हैं मेरा सबसे फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा राजपक्षी। उसके बाद आता है ये रानी, ये राजा, और ये है शेरू, ये है राइडर, और इसका नाम अभी नहीं रखा है तो इसका भी नाम नहीं रखा। इसका नाम है सॉन्टी, इसका नाम है डेविल। हमारा पोपलू कहाँ है हमको नहीं मालूम। पोपलू पोपलू पोपलू, रुक जाओ गाइस। ये तो सिर है, पता नहीं पोपलू कहाँ लगता है, चल गया। ये है हमारा फार्म घर के अंदर ही ताकि हमें बाहर न जाना पड़े। आइए आइए। यो भाई, हमको पहले दिन करना पड़ेगा वरना ये फैंटम हमें ऐसे ही मार देंगे। हो गया, चलो ये तो हो गया फॉर्म। अब चलो हम आपको दिखाते हैं अपने इंटीरियर। ये हो गया हमारा 3 ठो बेड, ये कुछ बुक्सल, ये स्टोरेज वगैरह के लिए। आइए अब बेलकनी में, तो ये यहाँ पर भी कुछ बुकसेल्फ है और ये नज़ारा लेने के लिए। तो अभी आते हैं, ये है हमारा पूरा डॉगी का फौज जिसमें कहाँ गया इन लोगों का लीडर। ये देखो शेरू, इन लोगों का लीडर। तो ये स्टोरेज रूम है, हो गया। अब चलते हैं इस साइड पे, इस साइड पे भी और एक फार्म है जहाँ पर फिलहाल कैरेट है। तो चलो ये तो हो गया ऊपर का हिस्सा, अब जाते हैं नीचे। तो नीचे जाने के लिए हमें सबसे पहले ये क्रॉस करो और आ जाओ। ये बेम्बू, ये है हमारा फार्म, क्योंकि ऊपर उतना सब कुछ एक साथ नहीं होगा इसलिए हमने नीचे भी बना लिया। ये है पम्पकिन वगैरह और ये है वाटरमेलन, ये अंदर बीट रूट है। तो चलो अब जाते हैं हमारे फार्म के अंदर। यह है एक छोटा सा फार्म, तो इस फार्म में मतलब सब एक साथ ही रख दिया है, अलग अलग नहीं बनाया। तो चलो अब चलते हैं सी एच डी गेमर और रिजू, तो इन दोनों का शॉप है इस साइड पे। चलो तो पहले देखते हैं बोर्ड, ये देखा गाइस, भाई भाई फूड सप्लाई उन लोगों का दुकान का नाम है। तो चलो चलते हैं, ये देखो उन लोगों का दुकान अभी क्लोज है 3 दिन के लिए, बाद में देखा जाएगा। और ये है उनका फॉर्म जहाँ से वो लोग हमें फूड सप्लाई करते हैं, पीछे बहुत बड़ा है। चलो आप लोगों को ले जाते हैं। बैम्बू तो पूरा आसमान छू रहा है, ओ ये टूट गया है इसलिए यहाँ से सब भाग गए। तो छोड़ो, और मेन पार्ट ये है सी एच डी और सी एच डी गेमर और रिजू का मतलब अंडरग्राउंड बेस जैसा। तो चलो चलते हैं, म्यूज़ियम जैसा बोल सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखेंगे हम बाद में। सॉरी हम गलत लिख पे आ गए। आइए
ये देखो ये एक एक्वेरियम है, तो फिलहाल इसमें मछली नहीं है जो कि हम जल्दी रख देंगे। ये देखो गाइस ये है एक लाइब्रेरी, और ये है कुछ डॉगी उल्फ जो रिचू या CSD का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चलो उल्फ ले जाते हैं, और ये है उन दोनों का हॉर्स। ये तो लगता है CSD का होगा और ये रिजू का। अभी आपको ले चलते हैं हमारे फिशिंग स्पॉट पे। बारिश भी आ गई। ये है CSD का शुगर कैन फार्म। ये है हमारा फिशिंग पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग फिशिंग करते हैं। रिजू का एक बेस पानी के अंदर। तो चलो ऊपर चलते हैं। ये तो देख लिया आप लोगों ने, और ये है हमारा फिशिंग पॉइंट। अभी हमारे विलेज में एक नया चीज़, मतलब वर्ल्ड में एक नया चीज़ बिल्ड हो रहा है, तो उसका भी हम आपको टूर कराते हैं। चलो ये बेसिकली एक छोटा सा वर्ल्ड टूर है, क्योंकि अभी हम लोगों ने उतना ज़्यादा चीज़ मतलब बनाया नहीं है। ये सिर्फ 4 हफ्ते का माइंड का खेला गया है, उसके अंदर हम लोगों ने ये सब बनाया है। 4 हफ्ते या 5 हफ्ते हो गए, तो ये हम लोग बना रहे हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अभी बहुत सारे काम होंगे, ऊपर छत भत भी लगाएंगे। और ये जो आप पूरा वहाँ से वहाँ तक, ये एक रोड जैसा दिख रहे हैं दिख रहा है, ये होगा हमारा रेसिंग ट्रैक, जहाँ पर हम लोग अपना घोड़े का रेस करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग कल सुबह बना लेंगे। और गाइस अगर आप मेरे साथ माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हैं, तो मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे दे दूंगा मैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है मेरा सबसे फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा राजपक्षी, तो जो मैं बोल रहा था आप लोग मेरे साथ खेल सकते हैं। तो आप अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, तो पहले आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ऑमलेट आर्केड नाम का एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर लेना, डेडी कॉपी डेडी कॉपी। तो उसके बाद जब मैं माइनक्राफ्ट खेलूँगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इजीली और मेरे साथ खेल सकते हैं। तो मैं दिन में 2 टाइम ही खेलता हूँ, एक सुबह के 10:30 से 1 बजे तक, और शाम के 8:30 या 9 से 10 बजे तक। तो गाइस अगर आप खेलना चाहते हैं तो फॉलो करना। और लास्ट चीज़, अगर कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तब तक के लिए भाई।